नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। आज हम आपको साइटिका के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों, साइटिका का दर्द बहुत ही असहनीय होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, कमर की नसों से होकर पैर की एड़ी तक होता है। दोस्तों, कमर से संबंधित नसों में से अगर किसी एक में भी सूजन आ जाए तो हमारे पूरे पैर में असहनीय दर्द होने लगता है, जिसे साइटिका कहा जाता है। साइटिका शरीर की वह नस है जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे से जाती हुई पैर की एड़ी तक पहुंचती है। इस नाड़ी में जब सूजन या दर्द के कारण पीड़ा होती है तो इसे साइटिका पेन कहा जाता है। दोस्तों, आज हम साइटिका पेन को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। इसके रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको साइटिका के दर्द में बहुत राहत मिलती है। आइए देखते हैं कि इनको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, साइटिका के दर्द को दूर करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने के लिए पीठ के पास सीधे लेट गए, फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं। अपने हाथों से अपने घुटनों को ऐसे पकड़ लीजिए और अपने छाती पर स्पर्श कीजिए अपने घुटनों को। कुछ देर इसे होल्ड करके रखिए, 30 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। साइटिका के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप 4 से 5 बार कीजिए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सेतु बंधासन। इसे करने के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं, हाथों को अपने पैरों के पास ऐसे रख लेंगे और अपने पूरे शरीर को ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। साइटिका के दर्द में बहुत ही अधिक राहत मिलती है, 30 सेकंड मेंटेन कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे। इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार कीजिए। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे शलभासन। इसे करने के लिए पीठ पेट के बल सीधे लेट जाएंगे, दोनों हाथों को कमर के पास रखकर अपने पैर को उठाइए। पहले दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, थोड़ी देर मेंटेन कीजिए, फिर धीरे धीरे नीचे। साइटिका के पेन को दूर करने के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होता है शलभासन। फिर दूसरे पैर को उठाइए, फिर नीचे। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार कीजिए। फिर दोनों पैरों को उठाना है इसके बाद आपने शलभासन में। कुछ देर मेंटेन कीजिए, फिर धीरे धीरे नीचे। फिर दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मकरासन। सिर को उठा लेंगे और दोनों हथेलियों को अपनी ठोड़ी पर ऐसे रख लेंगे, फिर पैर को ऐसे उठाइए। अब दोनों पैरों को ऐसे कीजिए, फिर दोनों पैरों को उठाते हुए कीजिए। सांस भरते हुए पैरों को उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार करेंगे। हम करेंगे नेक्स्ट अभ्यास, यह लोअर बैक की जो भी समस्या उसे दूर करने के लिए काफी लाभकारी होता है। वज्रासन में बैठकर फिर धीरे धीरे पीछे को लेट जाएंगे, सुप्त वज्रासन। अपने सिर को ऐसे लगा दीजिए और दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहने के बाद फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। योगाभ्यासों के रेगुलर प्रैक्टिस करने से साइटिका का दर्द में आपको काफी राहत मिलती है, इसलिए आप इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।